हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार अपने अपनी जो रसद है, अपने जो साजो सामान है, किस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया था कि हम हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, और अब दूसरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अभी सारा सामान यहां से लोड किया जा रहा है इस चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर। चिनूक हेलीकॉप्टर आपको याद होगा कि भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ है पिछले साल ही, और इसकी इंडक्शन के बाद से ही भारत की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी करीबन 30 लोगों की होती है और ये 10 टन तक वजन उठा सकता है, यानी इस समय ये भारत का सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो एयरलिफ्ट कराने वाला हेलीकॉप्टर, और यही वजह है कि इसी की मदद ली जा रही है खासतौर पर एयरलिफ्ट कराने के लिए। और मैं आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, ये बता रहा हूं आखिरकार कि कैसे है एयरलिफ्टिंग की जाएगी या फिर ये साजो सामान कितना ज़्यादा आगे ले जाएगा। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊँ, अपने कैमरा पर्सन मेरे दिखा रहे हूँ आपको कि अभी ये सामान यहाँ से उतर रहा है, जिसमें क्लोदिंग है, जिनके उनके वेपन, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा जो उनको वेपनरी चाहिए या फिर उनको रसद चाहिए, वो सारा सामान यहाँ से लोड किया जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको आगे पहुँचा जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात ये कि भारत ने ये अमेरिका से लिया था। करीबन 14 से 15 एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमारे पास हैं, और ये 10 टन तक इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये उठा सकता है। और ये कैपेबिलिटीज़ के अलावा इसकी जो एयरलिफ्टिंग कैपेसिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिकल्ट टेरेन के अंदर इस समय भारतीय वायुसेना के अंदर अगर कहा जाए तो ये सबसे बेहतरीन या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एयरलिफ्ट करने वाले हेलीकॉप्टरों में से एक है। अभी ट्रांसपोर्टर विमानों से सामान लाया गया और अब यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको आगे पहुँचाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन जो है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखती है, क्योंकि अब इसी लोकेशन मतलब से यानी इसी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की वजह से आगे सामान पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू। अगर आप देख रहे हो कि अब सामान यहाँ से अंदर ले जाते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो खाने पीने के उनके यूटेंसिल्स है, इसके अलावा जो उनकी क्लोदिंग है, इसको यहाँ से ही अंदर डालते हुए, और इसके बाद ये यहाँ से सामान को आगे लेके जाएंगे और फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर इसको मूव किया जाएगा, यानी हर इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर इसको पहुँचाया जाएगा। और ये इस समय विंटर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चिनूक अपाचे हमने कई बार सुना, लेकिन आज हमें तस्वीरें तक आपको दिखा रहे हैं कि अपाचे या फिर चिनूक की क्या इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में जहां मैं मौजूद हूं वहां पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और यही वजह है कि आज ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाना, आपको समझाना कि इन फॉरवर्ड लोकेशंस पे हम कैसे बने हुए हैं, हमारी लोकेशंस किस तरीके की हैं, और इन लोकेशंस पे हम अपनी मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि विंटर्स के आते आते इस एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इन हाई अल्टीट्यूड टेरेन में 15,000-16,000 टेरेन के ऊपर इसको बना पाना या फिर सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। यही आज मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही वजह है कि ये आपके लिए तस्वीरें देख पाना, आपको दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम इन फॉरवर्ड लोकेशन पहुँचे, TV9 भारतवर्ष की टीम आप तक हर एक जानकारी पहुँचा रही है। पहले भी हमने ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से आप तक ये जानकारी पहुँचाई थी, और आज फिर मैं आपको ये जानकारी इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से पहुँचा रहा हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।